नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिसोदिया और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट खबरें मेरे सामने। सोमवार देर रात शाजापुर में मोहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान नई सड़क पर स्थित मोहल्ला नाथवाड़ा में दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षकों की दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। कुछ मोटरसाइकिल और कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए। घटना की सूचना मिलते ही DIG अनिल शर्मा, कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव आदि पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। सबको मालूम है कि सबका घर एक प्रकार का मंदिर है, उसमें अपने अपने धर्म के देवता निवास करते हैं। फिर समाज में ये कैसा प्रचलन कि देवता या ईश्वर या अल्लाह को हम 365 दिन तो किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में रखते हैं और किसी एक दिन साल भर में उसे शहर में घुमाते हैं। शायद लोगों में ये भ्रम है कि जिसने हमें बनाया हम उसको ही घुमा रहे हैं। जो सबको घुमा रहा है, दुनिया चला रहा है, उसका जुलूस हम निकाल रहे हैं। वहीं जिसने सबके घर बनाए हैं, क्या हम उसके घर बना सकते हैं? जो ईश्वर, अल्लाह या भगवान है, वो हम सबसे ऊपर हैं, तो फिर हम उसका घर या मंदिर मस्जिद कैसे बना सकते हैं? लेकिन जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, वो शायद भूल गए कि सबसे ऊपर भगवान है और भगवान के नीचे हम हैं। समाज में भाईचारा बांटे, ना तो हिंदू ना मुसलमान ना ही कोई और धर्म के आपस में लड़े और ना ही फालतू में देश को गुमराह करें।